हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं आ गई किचन में, थोड़ी सी दाल ली, इसमें पानी डाल के रख लिया, और फिर आलू लिया जिसका स्किन हटा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ना आलू की एक बहुत टेस्टी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, वो बन रही है। तो स्किन हटा लिया, फिर उसके बाद में आलू को मैंने पानी में डाल दिया एक छोटे से पॉट में लेकर। फिर जो दाल थी उसे अच्छी तरह से धो लिया था, मतलब 2 मिनट के लिए भिगो लिया था जिससे जो भी गंदगी वो हट जाए। फिर इसमें 2 विसल लगा ली, और अब जो है मैं आलू कट करने लगी हूँ। तो जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उस तरह से मैंने आलू कट किए हैं। 7-8 आलू थे तो इस तरह से कट हो गए। अब इसके तड़के के लिए ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ तेल। तो एक कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। बहुत सुपर यम्मी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा राई, फिर जीरा तड़के के लिए। अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़ा प्याज था उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन ना सब्ज़ी के लिए लिया है, और बचा हुआ रखा है नेक्स्ट तड़के के लिए। तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, आधा छोटा सा चम्मच, और अब इसे ना थोड़ा सा मिक्स करके पका लेंगे। फिर इसमें डालना है आलू। तो इस तरह से थोड़े लंबे लंबे आलू कट करते हैं ना तो वो फ्राइज जैसे लगते हैं, उनको बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से लंबे कट किए हैं। आप चाहे जैसे कट कर लेना। फिर इसे मिक्स किया है। अब इसके ऊपर थोड़े से मसाले डालेंगे जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, साथ ही नमक डालेंगे जिससे कि बहुत जल्दी से आलू हमारा पक जाएगा। फिर डाला है मैंने थोड़ा सा धनिया का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको, और ढक के पकाना है जब तक आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना लो फ्लेम पर हम पकाएँगे क्योंकि आलू को एकदम अच्छे से सॉफ्ट करना है। वैसे बहुत जल्दी पक जाएगा आलू क्योंकि थोड़ा सा पतला पतला सा लंबा लंबा सा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी क्रश करके डाल दी, फिर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया, और इसे ना थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके डाल दिया इसके ऊपर। बस मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग ये सब्ज़ी है, डू ट्राई, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बस यहाँ पर आलू अच्छे से पक चुके थे तो मैंने सारा कुछ मिक्स किया और ढक कर रख लिया साइड में। यहाँ पर अब दाल के तड़के के लिए मैं काट रही हूँ धनिया पत्ता, प्याज और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन जो है ना बारीक बारीक सा कट कर रही हूँ क्योंकि दाल के तड़के में बड़ा अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और यहाँ पर मैंने रख लिया कढ़ाई जिसमें डालना है तेल। तो यहाँ पर तेल बहुत कम डालना है, छोटे से 2 चम्मच के करीब पकड़ लो। फिर तेल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे राई, और फिर जो लहसुन हमने कट किया था, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो, अदरक खाते हो, उसकी जगह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा घिस के डाल देना। फिर सूखी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये वाली ना थोड़ी सी तेज़ ही है, मतलब एकदम फिक्की नहीं है। फिर थोड़ा सा हींग डाला है, और जो छोटा प्याज था, मतलब एक बड़े प्याज में से जो बचा हुआ था वो डाला। फिर हरा धनिया डाला है इसमें। हाँ, तड़के में हरा धनिया डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस दाल का। फिर हल्दी डालेंगे, एकदम बेसिक सी दाल है पर बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, डू ट्राई। बच्चों को ना इस तरह की दालें बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी जगह आप मिक्स्ड दाल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मूंग दाल, या फिर जैसे मैंने तुअर की दाल में बनाया ना वैसे बना सकते हो। तो अब इसमें पानी और नमक डाल दिया मैंने, जितना पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से। तो यूजुअली मैं ऐसे दालें ना थोड़ी सी गाढ़ी रखती हूँ जिसके थ्रू ज़्यादा क्वान्टिटी में जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला हल्का सा डालेंगे, और हरा धनिया वापस से थोड़ा। फिर अच्छे से मिक्स करना है, फ्यू सेकेंड्स के लिए पकाना है, और दाल जो है बनकर रेडी है। इसे रख लेंगे साइड में। और यहाँ पर ना मैंने पराठा बनाया था आलू की सब्ज़ी के साथ में, एक सिंपल पराठा है, बट जो घी का नॉर्मल टिफ़िन के लिए जिस तरह से बनता है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ में वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, घी अप्लाई किया, फिर उसको रेक्टेंगल शेप दे दिया, और बस इसे नॉर्मल जैसे पराठा रोल करते हैं वैसे ही रोल कर लिया है। ऐसे पराठे आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ियों के साथ में अच्छे लगते हैं। तो तवा अब गर्म हो चुका है, अब इस पर मैं डाल रही हूँ पराठा। इसे सेक लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर घी अप्लाई करना है, मतलब घी ऑयल जो भी आप लगाते हो उस हिसाब से। बहुत से लोगों का होता है कि घी खाने से जो है ना मोटे हो जाते हैं, तो आप जो भी लगाते हो या प्लेन बनाते हो जिस हिसाब से, बट घी जो है ना वो हेल्दी फैट है जो हमारे जॉइंट्स के लिए यूज़फुल होता है। तो वंस इन अ वाइल यू शुड ऐड इट इन योर डाइट। तो यहाँ पर पराठा मैंने दोनों साइड से अच्छे से सिक लिया है, कितना प्यारा सा दिख रहा है, क्रिस्पी सा पराठा। और ये हमारी थाली जो है, राइस, मैंने जीरा राइस बनाई थी, साथ ही दाल, सब्जी और थोड़ा सा सैलड लिया था। तो अगर आपको आज का खाना अच्छा लगा है तो ट्राई करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।